नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं ऑफिस एकेडमी चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सिंटेक्स। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग सिंटेक्स के बारे में देखेंगे। और सिंटेक्स में रूल 4 तक हमने क्या है आपको पिछले वाली वीडियो में बताए हुए थे। अब हम लोग आगे नेक्स्ट रूल की तरफ देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल जो है हमारा वो क्या है कि यदि किसी भी सेंटेंस में अगर आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में क्या मिल जाए, आपको ईच ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का अगर सेंटेंस में यूज हुआ हो, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या मिल जाए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ, अगर आपको ये मिल जाएगा और ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर यूज होगा और यहाँ पर प्लूरल नाउन हो या क्या हो आपका प्लूरल प्रोनाउन हो, तो हमेशा इसके साथ वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ठीक है, देखें तो इस तरह से सेंटेंस में कि कोई भी सेंटेंस होगा, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको, ठीक है, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन मिलेगा, ठीक है, तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सिंगुलर वर्ब का हम लोग यूज करते हैं। अब देखें सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस जो है क्या है, ईच ऑफ दीज फोर पेन। अब यहाँ पर आपको देखिए क्या आया है, ईच ऑफ आया है, क्या आया है, ईच ऑफ और ईच। अब आपने देखा ही है कि अगर ये चीज़ें आएंगी तो हम लोग सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, वर्ब कौन सी लगाएंगे, वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ईच ऑफ, ईच ऑफ के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास, ईदर ऑफ दोज टू बॉयज, ईदर ऑफ दोज टू बॉयज है। आपने देखा यहाँ पर क्या आया है, ईदर ऑफ आया है, तो ईदर ऑफ के साथ क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर तो है प्लूरल, आप देख रहे हैं यहाँ पर बॉयज जो है वो क्या है, प्लूरल है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट कैसे आया है, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट हमारा ये वर्ड आ गए हैं, सिंगुलर आ गया है, तो ये पूरा कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर के साथ जो है वो क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग, नीदर ऑफ यू, यू आप जानते हैं क्या है, प्लूरल है, लेकिन इसके साथ क्या लगा हुआ है, नीदर ऑफ, मतलब क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट जो हमारा है वो कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और सिंगुलर वर्ब क्या होती है, नोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नोज। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट है ईच ऑफ देम डैश ए रॉबर। अब यहाँ पर भी क्या है, देम तो प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट क्या है हमारा, ईच ऑफ, तो ईच ऑफ सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, यहाँ पर भी वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, अब दीज टू स्टूडेंट्स ये क्या है, प्लूरल है, लेकिन आगे क्या आ गया, नीदर ऑफ, तो यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट पूरा कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से एक बार बता दें आपको कि अगर आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में क्या मिल जाए, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपका, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन अगर मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको पूरा सब्जेक्ट को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लें। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल जो है रूल 6 देखें। अब इसमें है क्या कि नेक्स्ट रूल जो है, अब इसमें कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में क्या हो जाएगा, यदि किसी सेंटेंस में क्या आ जाए मैनी, ठीक है, एक ग्रेट मैनी और एक गुड मैनी, इसके साथ प्लूरल नाउन तथा मैनी ऑफ, एक ग्रेट मैनी ऑफ और एक गुड मैनी ऑफ, इसके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, अगर ये आता है आपका तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब का क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या क्या आ जाएगा, कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाए मैनी, एक गुड मैनी और एक ग्रेट मैनी, इसके साथ आप क्या करेंगे, प्लूरल नाउन तथा गुड ए मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ और ए ग्रेट मैनी ऑफ, ठीक है, ये आएगा इसके साथ प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन, ये कुछ भी आ जाएगा सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब देखें जरा किस तरह से, देखें यहाँ पर है मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स हैं, आप ये देखें यहाँ मैनी हैं और स्टूडेंट्स हैं, मैनी आ गया है, हम लोग समझ जाएंगे यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ये क्या आ गया, हैव। फिर है ए गुड मैनी, आपने देखा यहाँ ए गुड मैनी है,
अब यहाँ पर तो कुछ भी उससे मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा प्लूरल वर्ब यहाँ पर भी आ जाएगी, ए गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू, ठीक है, शिमला। फिर नेक्स्ट है मैनी ऑफ द क्रिमिनल्स, अब यहाँ पर भी मैनी ऑफ है, क्या है मैनी ऑफ के साथ क्या लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा हैव का यूज होगा। नेक्स्ट है मैनी, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका प्लूरल वर्ब आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आर। मैनी का जो अर्थ होता है ठीक है वो क्या होता है बहुत के अर्थ में होता है, कि मतलब मैनी मतलब बहुत, बहुत की क्वांटिटी को, ज़्यादा क्वांटिटी को बताता है। इसलिए ये सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिख जाएगा मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी, इसके साथ प्लूरल नाउन हो या फिर इसके बाद अलावा आपके पास मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ होगा, इसके साथ प्लूरल नाउन भी हो सकता है या आपका प्लूरल प्रोनाउन भी हो सकता है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो ये आपका नेक्स्ट रूल है। अब हम लोग देखते हैं चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल देखिए जरा, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है कि रूल नंबर 7 इसमें है क्या कि आपको यदि किसी सेंटेंस में, ठीक है कोई भी सेंटेंस है, किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या मिल जाए मैनी ए या मैनी एन, क्या मिल जाएगा केवल मैनी नहीं, मैनी ए मिल जाए या क्या मिल जाए मैनी एन मिल जाए, ठीक है। अगर सिंगुलर मैनी रहेगा तो प्लूरल वर्ब आती है, और अगर इसके साथ मैनी ए और मैनी एन आ जाएगा और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो, मतलब कोई भी सेंटेंस है उसमें आपको मैनी ए मिल जाए या मैनी एन मिल जाए और आपका क्या हो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज हो, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में आपको मैनी ए या मैनी एन मिल जाएगा और सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे यहाँ पर क्या है मैनी ए बॉयज, आपने यहाँ पर मैनी ए क्या है बॉय, मैनी ए बॉय। अब यहाँ पर क्या है आपने देखा कि मैनी ए है तो यहाँ पर क्या आएगी वर्ब कैसे सिंगुलर आ जाएगी, गो का क्या हो जाएगा गोस हो जाएगा। फिर उसके बाद मैनी एन, अब यहाँ पर क्या है मैनी एन है तो मैनी एन है आपने देखा तो यहाँ पर भी क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगी मैनी एन ऑरेंज, यहाँ पर क्या हो जाएगा वॉस, ठीक है प्रोटेन। तो ये यहाँ पर सेंटेंस में क्या हो जाएगा कि आपको मैनी ए या मैनी एन मिलेगा तो इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है इसको नोट करें, फिर नेक्स्ट रूल को देखते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट रूल जो है, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा सिंटेक्स में इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। इनडेफिनिट प्रोनाउन जो हमारा वन है, ठीक है इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है वन है, अगर इस वन का यूज कहाँ सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन वन का यूज अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होगा, ठीक है तो इसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी, और इसके साथ ठीक है सिंगुलर वर्ब क्या करेंगे यूज करेंगे, और जो प्रोनाउन आएगा ठीक है सिंगुलर प्रोनाउन आएगा उसे हम लोग वन, ठीक है वन बोलेंगे या वंस रहेगा या क्या आएगा वन सेल्फ आएगा, ठीक है वन या वंस या क्या आएगा वन सेल्फ आएगा। तो आप क्या समझे सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा आपका, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में अगर वन रहेगा इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर वर्ब के साथ ही हम लोग क्या लगाएंगे जो सिंगुलर प्रोनाउन जो है, ठीक है उसके लिए वहाँ क्या लगाएंगे हम लोग वन या वंस या क्या है वन सेल्फ का यूज़ करेंगे। देखें जैसे क्वेश्चन है हमारे पास ये वन, ठीक है डिसहोनेस्ट, तो यहाँ पर वर्ब भरनी है, वर्ब वॉज या वर्ब में क्या आएगा सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि वन जो है वो कैसा होता है सिंगुलर होता है, तो वन वॉज डिसहोनेस्ट। फिर इसके बाद आपका क्या है नेक्स्ट क्या है वन शुड लव, वन शुड लव, अब यहाँ पर हिज कंट्री या वंस कंट्री, तो वन के साथ क्या आएगा वन के साथ क्या आता है हमेशा वंस ही आता है, ठीक है तो ये वन शुड लव, ठीक है वंस कंट्री, इस तरह के सेंटेंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन में आते हैं। तो आप क्या करें इसको देखें, ठीक है और हमारे वीडियो को क्या करें आप अपने से रूल्स ये देखे हैं, इसके पहले वाले रूल्स देखने के लिए आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां से क्या करें आप लोग पहले वाली वीडियो को भी देखें। तो सिंटेक्स जो है जितने भी रूल्स हैं सिंटेक्स के बारी बारी मैं क्या करूँगा पूरे वीडियोज़ में क्या करूँगा कम्प्लीट करूँगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ऑफिस MN Academy से, लाइक करें सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक है और क्या करें इसको कि लाइक सब्सक्राइब कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आता रहे, ठीक है चलिए थैंक यू हैव अ नाइस डे।